मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, चौपाल संवाद में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का भी मंतव्य जानना जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति उनका क्या सोच है। तो हम चलते हैं, एक हमारे बीच पटना के विद्यार्थी है, उनसे उनका परिचय जानेंगे और उनके का क्या विचार है पर्यावरण के प्रति वो जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम विकास कुमार है। ये सबसे बड़ी संकेत एक बात से देना चाहेंगे, जागो तुम, जागेगा भारत तभी तो शुद्ध वायु पाएगा भारत। अगर हम नहीं जागे, अगर मैं नहीं जागा, अगर आप नहीं जागे तो फिर कौन जागेगा। और इस धरती पे जीवित रहने के लिए, इस धरती को मनोबल बनाने के लिए सब कुछ हम लोग हैं, हम लोग में से ही आते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को ये देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पेड़ों को यूं ही काट देने से, शिवपुरी में भी मैंने देखा कि बहुत जगह काटा गया है, खगौल में भी कई तरीके से काटा गया है, तो कई वर्ष लग जाते हैं पेड़ों को, पेड़ मतलब पौधे से वृक्ष होने में, लेकिन तो भी आज देखिए आज सरकार इस तरीके से काट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे काटने से हमारे ऑक्सीजन में कितना मतलब प्रॉब्लम है, हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि उसको निकाल करके, कबाड़ करके अच्छे जगह से लोगों के मतलब छांव के लिए ये लगाना चाहिए, ताकि हम लोगों का भी जीवित जो हम लोग का जीने का एक तरीका होगा, जीवन जीने का तरीका वो अच्छा होगा। अगर मैं बचपनों की पहलू को याद करूं तो अपने भी एक पर्यावरण होने की एक पहलू थी कि मैं अपने आकाशों में देखा करता था, खूब पंछियाँ उड़ती रहती थी और उनके चहचहाहट में आवाज़ होती थी, लेकिन आज वो चहचहाहट नहीं रहा। किनकी वजह से? वो वजह सिर्फ हम लोग हैं, वो वजह सिर्फ आप हो, वो पॉल्यूशन फैलाने में और काफ़ी ज़्यादा क्रैकर्स को यूज़ करने में। मेरे मायने से आप देखिएगा तो क्रैकर्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, और उस पॉल्यूशन से, उस साउंड से अगर हमारे हृदय में जब चोट लगती, मतलब आवाज़ से दिक्कत होता है, तो फिर सोचिए कि पशु तक क्या बीतता होगा, उन तक धुआं जब जाता होगा तो वो प्रदूषित क्या होता होगा। तो ये सब कारणों से हम और आप नहीं देखते हुए बस पॉल्यूशन को सुलझाने में लगे हुए हैं। सुलझाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि पौधारोपण इन दो हाथों से करें, ताकि बदलाव हमारे शहर में आ सके। आप किस प्रकार से अपने समाज में ये पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, ताकि मैंने ये भारत माता जो प्रदूषित है उसको हम बचा सके और उसमें कुछ योगदान दे सके। हम इस प्रकार से कार्यक्रम करना चाहेंगे कि ताकि बोलते हुए भी हम लोगों को एक उपहार में ये पौधे को गिफ्ट में उपहार के रूप से दे। ठीक है, हर लोगों के पास जो गिफ्ट, जो भी कुछ अलग गिफ्ट देते हैं उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उपहार में पौधे को दें, ताकि आप लोगों का जीवनमयी आपके सामने एक गार्डन के रूप में, स्वरूप में दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपना विचार प्रकट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।